आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों की। अलीगढ़ विधानसभा कोल से विधायक प्रत्याशी की रैली का नगर पंचायत मडराकर में छात्रों ने बढ़ती बेरोजगारी महंगाई का विरोध करते हुए भाजपा विधायक का घेराव करते हुए भाजपा सरकार वापस जाओ के नारे लगाए, जिसके बाद भाजपा विधायक अनिल पाराशर को उल्टे पांव वापस जाना पड़ा। तो तस्वीरें देख सकते हैं आप, विरोध होता दिख रहा है। भाजपा विधायक के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिलाया, विधायक अनिल पाराशर के खिलाफ गुस्सा फूटा है लोगों का। अलीगढ़ विधानसभा कोल से विधायक प्रत्याशी की रैली का नगर पंचायत मंडराकर में विरोध देखने को मिला। छात्रों ने बढ़ती महंगाई बेरोजगारी का विरोध करते हुए जमकर नारेबाजी की, भाजपा विधायक का घेराव करते हुए भाजपा सरकार वापस जाओ के नारे लगाए, जिसके बाद भाजपा विधायक अनिल पाराशर को वापस जाना पड़ा। ये मामला ये है कि यह बीजेपी सरकार छात्रों के एकदम खिलाफ है, सामान्य वर्ग का विशेष देख के विकास करती है, नीचे तबके के लोगों को दबाया जा रहा है। तो अभी जो विधायक जी तो कहते हैं हमने बहुत कार्य कराए गांव गांव, कहीं कार्य विधायक ने कार्य कराए, विधायक जी ने केवल अपने जनप्रतिनिधियों का कार्य कराए, अपने कार्यकर्ताओं को कार्य कराए, लेकिन आम जनता के लिए कोई राहत नहीं दी है। और ना शिक्षा की सबसे ज्यादा लेक्चर व्यवस्था शिक्षा विभाग में है, बच्चों की ओवर एज होती जा रही है, 10-10 साल हो गई वैकेंसी आ नहीं रही। तो आपने सुना, ग्रामीणों का गुस्सा देखने को मिल रहा है। ग्रामीण कह रहे हैं कि कोई काम नहीं किया जा रहा है विधायक द्वारा और सिर्फ अपने लोगों के लिए काम किया जा रहा है। गुस्सा देखने को मिला है, आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से जब विधायक पहुंचे लोगों के पास वोट की अपील करने, तो किस तरह से लोग परेशान हो गए और जितनी भी परेशानी है गुस्सा फूटने लगा। अलीगढ़ विधानसभा कोल से विधायक प्रत्याशी की रैली का नगर पंचायत मंडराकर में छात्रों ने बढ़ती बेरोजगारी महंगाई का विरोध किया और भाजपा विधायक का घेराव भी किया गया, भाजपा सरकार वापस जाओ के नारे लगाए। तो ग्रामीण काफी नाराज नजर आ रहे हैं, तस्वीरें देख सकते हैं आप। विधायक अनिल पाराशर के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई, गुस्सा फूटा। अलीगढ़ से ये खबर सामने आ रही है, यहाँ पे काम से खुश नहीं है लोग, भाजपा के विधायक से काफी नाराज नजर आ रहे हैं। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता नितेश माहेश्वरी जुड़ चुके हैं अलीगढ़ से। नितेश, क्या है पूरा मामला, आखिर किस बात से नाराज है ग्रामीण? मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला नगर पंचायत थाना मटरा क्षेत्र का है, जब एक विधायक जो रह चुके हैं 5 साल पहले विधायक रह चुके हैं, उनके द्वारा एक रैली करी जा रही थी और रैली के दौरान ग्रामीणों द्वारा छात्र द्वारा प्रदर्शन देखने को मिला है। जब उन्होंने जैसी रैली में पहुंचे तो छात्रों द्वारा वापस जाओ के नारे लगाए गए और ग्रामीण द्वारा विरोध किया गया है। जी नितेश, हम ये जानना चाहेंगे कि विधानसभा का हाल क्या है, आखिर विकास कितना हुआ 5 साल में, जिसको देखते हुए ग्रामीण नाराज नजर आ रहे हैं। अगर बात करी जाए जमीनी स्तर पर, तो ग्रामीणों द्वारा या छात्रों द्वारा जिस तरीके से बताया जा रहा है, उनका कहना यह है कि विकास तो कुछ हुआ ही नहीं है। और शिक्षा की बात अगर करी जाए तो शिक्षा को लेकर तो बिल्कुल लाचार व्यवस्था बताई जा रही है। उनका यह भी कहना है, अगर बात करी जाए बेरोजगारी की, तो बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, इसीलिए उन्होंने वापस जाओ के नारे लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया है और ये भी कहा है कि हम वोट नहीं देंगे। जी, तो आखिर इस विधानसभा में कौन से प्रत्याशी को देखना चाहती है जनता? जनता का कहना है, अगर जो विकास करेगा हम उसको वोट करेंगे। हालांकि ये भी बताया गया है, आगामी जो 5 साल जो गए हुए हैं और आगामी अगर 5 साल आने वाले हैं, अगर उनमें विकास होगा हम उस प्रत्याशी को वोट देंगे, क्योंकि तो बीजेपी द्वारा जो विधायक है उनके द्वारा अगर गांव क्षेत्रों की बात करी जाए तो कुछ भी कार्य नहीं हुआ है जमीनी स्तर पर। जी, तो बेरोजगारी का मुद्दा तो उठाते हुए नजर आए हैं छात्र, वहीं महंगाई की बात भी करते हुए नजर आ रहे हैं, महंगाई की मार पड़ती हुई भी नजर आ रही है, क्या कहेंगे? अगर महंगाई की बात करी जाए तो महंगाई से तो देखा जाए तो गरीब आदमी की कमर टूट गई है, क्योंकि उनका कहना यह है कि हर चीज पर महंगाई है,
चाहे वो तेल ले लो, चाहे घर का घरेलू सामान ले लो, चाहे कोई बाहर का सामान ले लो। और जिस तरह से विरोध किया गया है विधायक जी का, उसके बाद उनको वापस जाना पड़ा, उसके बाद उनकी प्रतिक्रिया क्या कुछ सामने आई है? विधायक जी ने, अगर बात करी जाए विधायक जी की, तो विधायक जी ने समझाने की कोशिश करी, लेकिन विधायक जी की ना बात मानते हुए ग्रामीणों ने अपना गुस्सा जाहिर किया है और उन्होंने बताया कि आपने यहाँ पर कोई भी कार्य नहीं किया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता नितेश माहेश्वरी जुड़े थे। अब खबर औरैया जिले से है, जहां जिला प्रशासन अधिकारियों ने अवैध शराब के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन में आते हुए बस्ती इलाके में छापेमारी की है और भारी मात्रा में लहन और कच्ची शराब को नष्ट किया। साथ ही साथ कच्ची शराब बनाने के उपकरण भी बरामद किए गए हैं। संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया गया कि अगर किसी भी प्रकार से कहीं पर भी अवैध शराब का निर्माण हो रहा है तो उसके खिलाफ थाना पुलिस कार्रवाई करे। साथ ही डीएम सुनील वर्मा और एसपी अभिषेक वर्मा ने कहा कि सटीक सूचना पर यह संयुक्त रूप से छापेमारी की कार्रवाई की गई है। उस सूचना के आधार पे जो कार्रवाई हुई है उसमें भारी मात्रा में अवैध मदिरा, अवैध क्या, जो देसी मदिरा होती है, वो बरामद हुई है। उसके अलावा 700 किलो लहन जो मदिरा बनाने के लिए इस्तेमाल होता है वो जमीनों में गड़ा हुआ मिला और उसको डिस्ट्रॉय किया गया। इसके अलावा मदिरा बनाने के बहुत सारे इक्विपमेंट जैसे बर्तन और भट्टियाँ होती हैं वो नष्ट करवाई गई मौके पे। इस कार्रवाई में कुल 10 व्यक्तियों पे अभियोग पंजीकृत किया गया है, जो कि आबकारी अधिनियम की धारा 62 के तहत अभियोग हुआ है। इसके अलावा आईपीसी की धारा 272 के तहत भी अभियोग पंजीकृत किया गया है। और अगर हमें लगता है कि इसमें कुछ संगठित टाइप के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं तो हम इसमें जो गैंगस्टर एक्ट है उसके तहत भी कार्रवाई करेंगे, ताकि भविष्य में इस तरह की कोई हरकत ना कर सके और जिले में अपराध को संरक्षण ना मिल सके। तो जिलाधिकारी महोदय और मेरे निर्देशन में आबकारी और पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा यहां पे छापेमारी की जा रही है और भारी मात्रा में अब तक हमने बहुत अवैध शराब का जो लहन है, सामग्री जिससे अवैध शराब बनती उसको बरामद किया है और अवैध शराब भी बरामद करी है। साथ ही साथ कुछ भट्टियों के सामान और शराब बनाने के अलग उपकरण हमने बरामद किए हैं। अभी रेड क्योंकि प्रचलित है, कंटिन्यू है, तो अभी हम इसकी संख्या डिस्क्लोज नहीं कर पाएंगे, पर आगामी विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत रखते हुए और क्राइम को इन जनरल दृष्टिगत रखते हुए ये रेड चल रही है। बातचीत के लिए संवाददाता जाहिद अख्तर जुड़ चुके हैं औरैया से। जाहिद, क्या है पूरा मामला और किस तरह से ये ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है पुलिस द्वारा? जी, मैं आपको बता दूं, घटना हुई है बात और प्रशासन जागरूक दिखाई दिया। वहीं पर शाम ढलते ही औरैया के पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा व जिला अधिकारी सुनील कुमार वर्मा ने खुद ही ये मोर्चा संभाला और शहर कोतवाली के पछिंजा बस्ती में जाकर उन्होंने छापेमारी की, जहां पर कई लीटर लहर को नष्ट किया। वहीं पर कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमा भी लिखा। जी जाहिद, जिस तरह से चुनावी माहौल भी उससे पहले काफी मुस्तैद नजर आ रहा है पुलिस प्रशासन, क्या कहेंगे इस पर? हाँ, जैसा कि देखा जाए 2022 का चुनाव करीब है, 20 फरवरी को औरैया जनपद में वोट भी होने हैं, उसको अलर्ट देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मूड पर दिखाई दिया। जिलाधिकारी की बात की जाए तो इसको देख रेख के लिए कई उन्होंने टीमें भी लगाई गई हैं जो अवैध मदिरा व गलत काम न कर सके। जी, तो जो ये सफलता हाथ लगी है पुलिस को, तो इसके पीछे क्या गुप्त सूचना मिली थी जिसके आधार पर ये कार्रवाई की गई है? जाहिद, पुलिस की अगर बात गुप्त सूचना की बात की जाए तो वहां पर जो पथिंजा बस्ती और है वो आए दिन यहाँ पर अवैध कारोबार चलता रहता, आए दिन सूचना मिलती रहती है पुलिस की और आबकारी विभाग की, आए दिन छापेमारी की जाती रहती है, पर ये घटना होने के बाद पुलिस की अलग मूड पर ही दिखाई दी। जाहिद, बड़ी मात्रा में लहन और कच्ची शराब बरामद की गई जिसे नष्ट भी किया गया है, हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर ये कितनी जहरीली होती है और इंसानी शरीर पे इसका कितना प्रभाव होता है? जी, मैं आपको बताऊंगी, बहुत जहरीली शराब होती है, इसमें कोई मानक नहीं होता, बिना मानक के ही ये शराब बनाई जाती है और इस पर काफी लोगों को नुकसान ही पहुंचा जाता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ जाहिद अख्तर संवाददाता जुड़े थे औरैया से।
तो बड़ी सफलता हाथ लगी है औरैया पुलिस को, जहां अवैध शराब के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन में नजर आ रही है पुलिस, वहीं बड़ी मात्रा में लहन और कच्ची शराब को बरामद करके नष्ट कर दिया गया है। वहीं चुनावी माहौल भी देखने को मिल रहा है और चुनाव के मद्देनजर बड़ी मुस्तैदी से काम करती हुई नजर आ रही है पुलिस। तो अवैध शराब के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन में नजर आ रही है पुलिस, जहां पे चुनावी माहौल देखने को मिल रहा है। चेकिंग अभियान भी जोरों शोरों से देखने को मिल रहा है और अवैध शराब के खिलाफ भी लगातार पुलिस मुस्तैद नजर आ रही है। और जिस तरह से जहरीली शराब का कहर भी देखने को मिलता है, कई जिलों से ऐसी खबर सामने आ रही है कि शराब पीने की वजह से लोगों की मौत हो रही है, तो उसको देखते हुए भी पुलिस एक्शन ले रही है और आबकारी विभाग भी मुस्तैद नजर आ रहा है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। गणतंत्र दिवस के अवसर पर गैर जिम्मेदाराना तरीके से राष्ट्रीय पर्व मनाया गया। भारत माता की जय के साथ नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। मामला सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ ब्लॉक का है, जहां प्राथमिक विद्यालय रंवापुर तिवारी में 26 जनवरी 2022 को गैर जिम्मेदाराना तरीके से गणतंत्र दिवस मनाया गया। 26 जनवरी से ये तस्वीरें सामने आ रही है, सिद्धार्थनगर की ये तस्वीरें हैं, जहां 26 जनवरी जो कि राष्ट्रीय पर्व है उसको मनाया गया, लेकिन काफी गैर जिम्मेदाराना तरीके से मनाया गया। यहां पे भारत माता की जय के नारों के साथ साथ मोदी जिंदाबाद और योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद के नारे भी लगे। तो सिद्धार्थनगर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है और तस्वीरें देख सकते हैं आप किस तरह से झंडारोहण किया गया और साथ ही कितनी लापरवाही देखने को मिल रही है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद के नारे लगाए गए, जहां राष्ट्र पर्व मनाया जा रहा है, भारत माता की जय के नारे लगते हैं, तो वहीं अलग ही तरीके से इसे मनाया गया। तो ये राष्ट्रीय पर्व की तस्वीर अब आपको दिखा रहे हैं, 26 जनवरी मनाया गया है और उसमें ये तस्वीरें देख सकते हैं आप कितनी गैर जिम्मेदाराना तरीके से ये राष्ट्र पर्व मनाया गया है। ध्वजारोहण की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो कि आप देख सकते हैं और साथ ही साथ भीड़ भी काफी देखने को मिल रही है और जो ये नारे लगाए गए हैं, ऐसा लग रहा है कि ये कोई राष्ट्र पर्व नहीं बल्कि किसी चुनावी रैली की तस्वीरें हों। और इस खबर में हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता रवि पांडे जुड़ चुके हैं सिद्धार्थनगर से। सिद्धार्थनगर से जो ये तस्वीरें सामने आ रही है, रवि क्या कहेंगे इस पे? जी, ये 73वां गणतंत्र दिवस कल 26 जनवरी का है, जो इस समय सिद्धार्थनगर के सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बच्चों द्वारा, स्कूली बच्चों द्वारा भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय के जयकारों के साथ साथ योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जयकार। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता रवि जुड़े थे। तो बड़ी लापरवाही देखने को मिली है सिद्धार्थनगर से, तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां राष्ट्रीय पर्व बड़ी गरिमा के साथ मनाया जाता है और बड़ी जिम्मेदारी के साथ इसे मनाया जाता है, तो वहीं ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जहां पे योगी और मोदी जिंदाबाद के नारे देखने को सुनने को मिले। सिद्धार्थनगर की आप तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पे योगी मोदी जिंदाबाद के नारे लगे, भारत माता की जय और महात्मा गांधी जिंदाबाद के नारे लगे, तो वहीं बड़ी गैर जिम्मेदाराना तरीके से लापरवाही के साथ गणतंत्र दिवस मनाया गया।
रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट को लेकर युवाओं का विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। बिहार में पिछले 3 दिनों से लगातार अलग अलग स्थानों पर ट्रेनें रोके जाने और रेलवे पटरियों को जाम करने की घटनाएं सामने आई हैं। इस बीच चर्चित खान सर समेत कई संस्थानों के मालिकों समेत 400 से अधिक लोगों के खिलाफ पटना में FIR दर्ज की गई है। बिहार की राजधानी पत्रकार नगर थाने में सोमवार और मंगलवार को हुई हिंसा के बाद हिरासत में लिए गए आंदोलनकारी छात्रों के बयान के आधार पर इस मामले में केस दर्ज किया गया है। हिरासत में लिए गए आंदोलनकारी उम्मीदवारों ने कहा कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने के बाद उन्हें हिंसा और दंगा करने की शय मिली थी, जिसमें खान सर को कथित तौर पर RRB NTPC परीक्षा रद्द नहीं होने पर छात्रों को सड़क पर आंदोलन करने के लिए उकसाते हुए देखा गया था। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, जो ये तस्वीरें सामने आई हैं जलती हुई ट्रेन की, छात्रों के उग्र प्रदर्शन की, क्या कहेंगे इस पे? जी शिखा, आपको बता दें कि विगत कुछ दिनों से बिहार के अंदर में एक आंदोलन पनप रहा है। वो आंदोलन रेलवे बोर्ड के खिलाफ है, RRB और NTPC की भर्तियों को लेकर। जो बिहार के जो अभ्यर्थी है, जो छात्र है, और वो पूरी तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आपको बताना चाहेंगे, रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से एक नियुक्ति उस पे आनी थी, जिस नियुक्ति का रिजल्ट आना था, उसके रिजल्ट को देखने के बाद छात्रों के अंदर काफी आक्रोश आ गया। और बिहार के पटना से आपके सासाराम और गया और तमाम सीतामढ़ी समेत तमाम जो जिले हैं वहां पे छात्र एकत्रित होकर और रेलवे ट्रैक को जाम कर देते हैं, और इससे जो रेलवे बोर्ड है जो उससे काफी यातायात में नुकसान होता है, कई ट्रेनों को रद्द की जाती है और वही पटरियों पे कब्जा कर लेते हैं छात्र, जिसके बाद पुलिस प्रशासन के इस मामले में हस्तक्षेप के बाद पुलिस प्रशासन वहां पहुंचती है और छात्रों को वहां से निकालती है। तो वही कुछ छात्रों को निकालने के बाद छात्रों का आक्रोश इतना बढ़ जाता है कि वो वहां पे पैसेंजर ट्रेन को की 3 बोगियों में आग लगा देते हैं और धू धोकर जलता है। इन्हीं सब मामलों को देखते हुए रेलवे विभाग के द्वारा जिन छात्रों को चिन्हित किया गया है उनको आजीवन रेलवे में कोई नौकरी नहीं दी जाएगी। और बड़ी बात ये निकल के आ रही है कि देश के मशहूर अध्यापक जो कि ऑनलाइन माध्यमों से साथ ही साथ वो वर्चुअल तरीके से क्लास लेते हैं, खान सर, उनका भी नाम आ रहा है कि बताया ये जा रहा है कि खान सर समेत 6 ऐसे शिक्षकों का नाम आया है जिनके खिलाफ FIR लिखी गई है और 400 लड़कों के खिलाफ अज्ञात मुकदमा दायर किया गया है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि इस मामले को कैसे सरकार काबू करती है और रेलवे बोर्ड को कैसे काबू करती है। वही जो रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव है उनके द्वारा छात्रों को संयम रखने की बात कही जाती है और साथ ही साथ उनको ये कहा, उनके तरफ से कमेटी बनाई जाती है, उस कमेटी में जो सदस्य हैं ये पूरे प्रकरण को समझकर और फैसला लेंगे। आने वाले 4 मार्च को इस मामले पर रिजल्ट आ सकता है। वही आपको बता दें कि खान सर जो कि सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर है, काफी फेमस है, और वो उनके लाखों फॉलोअर पूरे देश के अंदर में है, साथ ही साथ उनके नाम से तमाम पेज है जिसमें मिलियन व्यूअर है। तो इससे खास तौर से हम कह सकते हैं जिसमें खान सर के नाम आने के बाद उनके तरफ से प्रतिक्रिया आती है कि महज विगत कुछ दिनों से उनके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसको सीज कर दिया जा रहा है, उस पर कोई वीडियो नहीं जा रही है। और आपको बताना चाहेंगे कि आज से ठीक 6 महीने पहले बिहार के अंदर से ही एक हैशटैग पॉपुलर होता है, मोदी रोजगार दो, जो पूरे देश भर में चला और देश भर से छात्र इस ट्वीट को ट्रेंडिंग में रखे। वहीं अगर बात करें खान सर से वापस लौटे तो खान सर की तरफ से प्रतिक्रिया आई है कि मेरा अकाउंट विगत कुछ दिनों से सीज है और मेरे तरफ से कोई वीडियो नहीं डाला जा रहा है। इन सब मुद्दों पे अपना पल्ला झाड़ते हुए खान सर ने ये बताया कि मैं छात्रों को संयम बनाने के लिए भी कहा और साथ ही साथ जो है ये पूरा आंदोलन RRB का जो रिजल्ट आता है जिसमें धांधली का आरोप लगाकर छात्र उग्र हो जाते हैं। वहीं अगर बात करें तो ये आंदोलन धीरे धीरे बिहार से निकलते हुए और अब उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद तक पहुंचा, जहां आपने देखा कि छात्रों के ऊपर
यूपी पुलिस की बंदूक की बट से दरवाजों को पीटा गया और वहीं छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज भी की गई। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पूरे आंदोलन को केंद्र सरकार का अब इसमें हस्तक्षेप आ चुका है और कैसे शांत कराता है, पूरे मामले पे जो आरोप है उस आरोप से कैसे बचता है। जी शिखा, विभांशु उग्र होना या फिर इस तरह के दंगे करना, ये कोई समाधान तो नहीं इससे मिलेगा। हाँ ये है कि आपको भविष्य में कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर बात करें सरकारी नौकरी की तो हाँ एक ऐसा महकमा जरूर है सरकारी नौकरी का जो कि लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर रहा है। बच्चे बचपन से तैयारी करते हैं, ट्वेल्थ के बाद से तैयारी करते हैं, एक उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि सरकारी नौकरी मिलेगी। तो हाँ हमारी जो भी इतने समय की जो भी हमने कड़ी तपस्या करी है वो सफल हो जाएगी, लेकिन उनके जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है कहीं ना कहीं, क्या कहेंगे जी? छात्रों का साफ तौर से कहना है कि जो आरआरबी है, जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, उनकी तरफ से 3 साल से रिजल्ट को लटकाया गया और उसके बाद रिजल्ट आता है तो उसमें धांधली का आरोप लगा देते हैं। अगर बात करें तो ऐसी कई सारे परीक्षाएं हैं जिसमें एक टाइम ड्यूरेशन होता है। आपको बताना चाहेंगे कि उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर छात्रों को नियुक्ति अगर नहीं होती है तो उस परीक्षा को फिर से देना पड़ता है। तो इन सब मुद्दों को लेकर छात्र आंदोलन करते हैं और आंदोलन की अगर बात करें तो इससे पहले भी बिहार से आंदोलन निकल चुका है जिसमें छात्र भूख हड़ताल पे बैठ गए थे। वो आंदोलन पूरे देश भर में चला था, वो उस आंदोलन का नाम था जयप्रकाश नारायण आंदोलन, जिसमें जेपी मूवमेंट के भी नाम से जानते हैं। उसमें जयप्रकाश नारायण जो कि बिहार के बहुत बड़े नेताओं और जो भारत की राजनीति है उसमें बहुत बड़े नेता के तौर पर गिनती होती है, उनका समर्थन था। मगर अब तक छात्रों का समर्थन अगर बात करें तो जो बिहार के एक सुप्रसिद्ध नेता है पप्पू यादव, उनकी तरफ से कहा गया है, प्रतिक्रिया आई है कि छात्रों को अगर न्याय नहीं मिलता है तो हम उनके साथ लड़ाई में खड़े हैं। वहीं अगर बात करें तो पप्पू यादव ने खान सर की गिरफ्तारी के सवाल पर कहा कि खान सर से पहले मेरे हमको गिरफ्तार करो और हमको जेल ले चलो इससे। और वहीं अगर बात करें तो खान सब इस मुद्दे पर पलड़ा झाड़ चुके हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि कई माध्यमों से कहा जा रहा है कि खान सर गिरफ्तार हो सकते हैं, मगर अब तक सरकार की तरफ से इससे कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, ना कोई आदेश आया है। वहीं अगर छात्रों की तैयारी की बात करें तो छात्र अपने घर को छोड़कर अगर बिहार की बात करें तो पटना जाते हैं और उत्तर प्रदेश की बात करें तो वो दिल्ली या इलाहाबाद पर जाते हैं। अब छात्रों को अगर वो तैयारी कर रहे हैं और उनके और वो परीक्षा में उत्तीर्ण हो रहे हैं और उनकी नियुक्ति नहीं हो रही है और अगर किसी धांधली को आरोप लगाकर वो कोई भी प्रदर्शन कर रहे हैं तो जैसे कमेटी बनाई गई है तो कमेटी को निष्पक्षता से छात्रों के जो हित की है हित में और जो मामला जैसे बताया जा रहा है वैसा सुनकर और फैसला लेना चाहिए, ना कि इसे राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहिए। बिल्कुल विभांशु, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता विभांशु मणि त्रिपाठी जुड़े थे। चार बजे की चार बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।